हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सपनों के शहर मुंबई में हूँ और आज बहुत ही सुहाना दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे इस ब्लॉग की। तो अभी 6:24 हो रहा है, हम सुबह सुबह निकल रहे हैं लोनावला के लिए। फिलहाल जल्दी गाड़ी को लेके यहाँ से निकलना है, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग ज़्यादा देर तक अलाउड नहीं रहती है। बाकी सब बातें कार में करते हैं, थार में करते हैं। गाइज, हम जा रहे हैं लोनावला, और लोनावला में भी स्पेसिफिकली हम फर्स्ट जा रहे हैं कोडीगढ़ फोर्ट, और वो हमारे घर से जो कि है मरीन लाइंस, यहाँ से 118 किलोमीटर समथिंग है, मतलब 120 किलोमीटर मान लो, और 2 hours 30 minutes का ड्राइव बता रहा है। अभी हम निकल गए हैं एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। हम नियर अबाउट 6:30 निकले थे और अब जाके वहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है, और 2.5 hours समथिंग ही लगेगा अनलेस हम रास्ते में कहीं और रुक गए, हमको कुछ अच्छा दिख गया लाइक स्मॉल वाटरफॉल्स, जो कि बारिश के टाइम पे और इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और हमारा जल्दी निकलने का एक रीज़न ये भी था कि हमने थार को पार्क करके रखा था बिल्डिंग के नीचे ही रोड के साइड में। अब यहाँ पे मुंबई में जो लोग मुंबई में नहीं रहते होंगे या नहीं आए होंगे तो उनको पता नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा, तो कैसा रहता है कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है, बेसिकली नो पार्किंग जोन है। तो वहाँ पे सिर्फ संडे को गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और उसके अलावा सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 या 8 बजे तक के पहले पार्क कर सकते हैं, वरना अगर उसके बाद आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और अगर उसके अंदर कोई ड्राइवर है नहीं, बेसिकली आपने सिर्फ पार्क करके रखी है, तो उस पर बन जाता है आपका चालान या फिर गाड़ी टो करके ले जाते हैं। तो इसकी वजह से हम निकल गए थे 6:30 सेफली, मतलब 7 के पहले ही निकल गए थे। 7 या 8 का है कंफर्म नहीं है, बट हम 7 के पहले ही निकल गए थे। ये रहा मेरा बैग पीछे और दूसरा बैग भैया का अंदर है। बारिश भी हो गई थी 1-2 मिनट, और मौसम इतना मस्त हो रहा है, पीछे देखो एकदम रोड गीला गीला हो गया, एकदम फॉगी फॉगी वेदर है। जो भी इसे आसपास पहाड़ हैं, हम बाहर के साइड आ रहे हैं बॉम्बे के, तो जो भी पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं या फिर दूर दूर जो बिल्डिंग्स हैं, सब इसे फॉग में कवर्ड है ऊपर की तरफ से। बहुत सही वेदर है आज, और देखो ऊपर ऊपर के साइड आपको फॉग दिखेगा। वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक नेक्सॉन चार्जर, हमको भरवाना है अभी इसमें नाइट्रोजन, मतलब बस चेक करवाना है एक बार। थार का ये एक बहुत अच्छा फीचर है,
कार इन्फो में यहाँ टायर ट्रॉनिक्स रहता है, उसमें पता चल जाता है सब में ओके ओके है, फिर भी एक बार चेक करवा लेते हैं, जो थोड़ी बहुत होगी वो हो जाएगी। चाय और समोसा पाव, सैंडविच भी है वो भी आ रहा है, और यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा है पीछे, मैं दिखाता हूँ जस्ट आपके पीछे। हमने थोड़ा सा शॉपिंग करा, मतलब भाई खाने का, चॉकलेट्स वगैरह और पानी की बॉटल। अब चलते हैं आगे, नाश्ता भी हो गया, पेट भर गया, अब मज़ा आएगा। हमारी थार खड़ी है, उसको पैक कर दिया मैंने खड़ी की थी तब ये सब कुछ भी नहीं था साइड साइड से, अब साइड साइड से आ गया। मतलब ये लोग ने क्यों लगाया समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ से हम निकलेंगे, हमने ली फ्यू चॉकलेट्स, स्निकर एंड बॉन्टी फॉर एनर्जी वाइल ट्रैकिंग, और दो मॉन्स्टर एनर्जी, इससे हमारे पास मॉन्स्टर एनर्जी आ जाएगी और हम मॉन्स्टर जैसे ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ पे फूड कोर्ट्स, हमने खाना खाया, और साइड में वहाँ पे शॉप से बहुत सारी, वहाँ से हमने चॉकलेट्स ली, बोला चिक्की से लिया हमने। बादल दिख रहा है, बादल, तो गाइस अभी कोरीगढ़ फोर्ट यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, और अभी हम लोनावला के अंदर है, लोनावला सिटी, और यहाँ का व्यू इज़ काफ़ी अमेजिंग। और लोनावला में जो मगनलाल चिक्की है, जो कि यहाँ की फेमस चिक्की है, वो फेमस इसलिए है क्योंकि अभी हमको रास्ते में कम से कम 10 से 15 शॉप दिख गई, एक शॉप उसका छोटा सा फ्रेंचाइज, फिर 50 से 60 मीटर दूर उससे उसका वापस से एक और शॉप, और इससे मतलब पूरे रास्ते में आपको चिक्की की सिर्फ वही शॉप दिखेगी, मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की, मगनलाल चिक्की, बहुत सारी मगनलाल चिक्की की शॉप है, दैट्स इट इज़ वेरी फेमस। और यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट्स दिखे हमको, मतलब सिटी में रिजॉर्ट्स के अलावा और कुछ है नहीं है समझो, मतलब रिजॉर्ट और चिक्की, ये दो चीज़ से भरा है पूरा, और ग्रीनरी ऑब्वियसली, तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी चालू हो गई, तो दो चीज़ हो गई, पहला मगनलाल चिक्की और दूसरा रिजॉर्ट, और बाकी जो चीज़ें हैं हम किस लिए आए उसके लिए वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे। ये लोनावला लेक है, तो जस्ट अभी जो आपने क्लिप देखा वो लोनावला लेक है जस्ट हमारे राइट साइड में, अभी साइड में ये वॉल्स दिख रहा है ना, इसके राइट साइड में, और पानी बढ़ाएंगे हम, जल्दी दिखाओ आगे, जल्दी दिखाओ। अभी हम एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज पे हैं, और इसके जस्ट राइट साइड में है लोनावला लेक, जिसके साइड साइड से हम अभी आए थे, और अभी बारिश चालू हो गई, और सामने पहाड़ पे से ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, इसे बोल के थोड़ी मजा आएगा, मैं दिखाता हूँ, देखो इफ यू कैन सी इट, ग्लास में नीचे करता हूँ, बारिश हो रही है, ये रही लोनावला लेक, इट्स काफ़ी ह्यूज, मतलब बहुत दूर तक बड़ी है, और यहाँ पे देखो
पानी वहाँ से बहते हुए आ रहा है पहाड़ पे से. इट्स लाइक स्मॉल स्मॉल वेरी टाइनी वाटरफॉल्स. यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आज मंडे है और हम जानबूझ के पर्पसली सैटरडे संडे नहीं आए क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है एंड यू नो जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो वी कैंट इंजॉय इट. और अभी यहाँ पे लोग भीग रहे हैं, दे आर जस्ट हैविंग सो मच फन. सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन मंडे क्योंकि मंडे लाइक सैटरडे संडे लोग आ जाते हैं फिर कोई मंडे ज़्यादा लोग प्लान नहीं करते. दैट्स वाई वी इंटेंशनली प्लान्ड ऑन मंडे जिससे भीड़ कम मिले और मज़ा ज़्यादा आए. 21 किलोमीटर है, 40 मिनट्स है कोडिगल फोर्ट. सी देयर आर पीपल. वाओ. सो गाइस देखो रास्ता कितना फॉगी है और पूरा फॉग फॉग है. पूरा इस ड्राइव का मजा लेते हुए आनंद नहीं परमानंद कहते हैं इसको. वाओ. एंड वी आर जस्ट स्लोली क्रूजिंग अराउंड 30. हां हां रास्ता देखो कैसा है. देखो गाइस गाड़ी आगे वाली गुम हो गई फॉग में. ओ कितना ज्यादा फॉग है, तो लग रहा है बादल ही नीचे उतर गए पहाड़ों पर. हम बादल हो गया. यहाँ से एकदम फ्रेश वाटर आ रहा है बह बह के. यहाँ पे हम पानी की बॉटल रिफिल कर रहे हैं. एकदम फ्रेश लग रहा है तो पी भी सकते हैं और अगर नहीं पीने का हुआ तो बाद में से ही हाथ वाथ धोने के काम आएगा. पानी तो लगता ही ऑब्वियसली. एकदम मस्त ठंडा ठंडा है ये. यहाँ पे ग्राउंड में ऐसे सब होल्स हैं, इधर सब छोटे छोटे कीड़े रहते हैं. फॉर एग्जांपल क्रैब, क्योंकि यहाँ पे क्रैब्स बहुत सारे दिखे हमको. पानी के पास भी छोटे बड़े बहुत सारे. देखो छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स जिसमें बड़े बड़े जानवर ऑब्वियसली होल के साइज के. और वो देखो गाँव की सड़क जा रही है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बाइक से. तो गाइस यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे. चलो थार बुलाओ हमको. अब वो बुला रही है. आ गए आ गए. तो गाइज अभी ये बैग में हमने थोड़ा सामान रख लिया जो हमको चाहिए रहेगा. इसमें नाश्ता वगैरह थोड़ा, बाकी एक्सेस हमने पीछे छोड़ दिया. इधर सामने हनुमान मंदिर है. तो गाइज दैट इज कोडिगढ़ फोर्ट. बॉन्टी फॉर द रिक्वायर्ड एनर्जी. सो गाइज वहाँ से हम अभी आए यहाँ पे से थोड़ा चढ़ के
और बहुत ही स्लिपरी था, मतलब डिफिकल्ट नहीं था बट पूरा मिट्टी मिट्टी। अब हमको यहाँ से जाके वहाँ ऊपर जाना है। तो गाइस इस टाइप के रिबन्स या फिर ब्राइट कलर की पॉलीथीन से यहाँ पे टांग देते हैं, जिससे पता चलता है कि आप सही रास्ते पे हो। एक वो रहा। सो कभी भी आप ट्रैकिंग पे तो इन सबको फॉलो करते हुए जाया करो। एक और टिप, टाइम टाइम पे जो भी आपका लोकेशन है, मतलब जहाँ आपको जाना है, उसको एक बार रेफरेंस ले लिया करो, उसके हिसाब से रास्ते पे जाया करो। वो ही हमारी लोकेशन, हमको वहाँ पे जाना है और अभी हम यहाँ से आए। एक और रिबन, इधर ये ऐसा रिजॉर्ट टाइप कुछ है। सो बेसिकली वहाँ पे है स्टेयर्स जहाँ पे हमको जाना है और हम चलते चलते यहाँ आ गए। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था विला विस्टा 110, ये 110 नंबर का विला है। मतलब ये लोग ऐसे आते होंगे फैमिली के साथ, रेंट पे रहते होंगे फॉर 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, और सीधे फोर्ट के नीचे। लाइक वाओ। हमको यहाँ से जाके आगे से कहीं से लेफ्ट लेना रहेगा, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। आए थे और ये वाला छोटा रास्ता, एक आंटी ने बोला था ये वाले रास्ते से जाएंगे आगे। यहाँ से किले के स्टेयर्स चालू होते हैं। अब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जंगल में से चल के फाइनली इसके स्टेयर्स आ गए हैं किले के। ये भी काफ़ी ऊपर तक है।
पे छोटा गणेश जी का मंदिर भी है। ओम गंग गणपतये नमः। यहाँ पे हवा काफी चल रही है, आपको इसे क्लाउड उड़ते हुए दिख रहे होंगे और फॉग भी बहुत है, मतलब कभी कभी एकदम पूरा ढक जाता है, कभी थोड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये उड़ता रहता है वैसे वैसे क्लियर होता है। Thank you.
तेरे पास आ रहे हैं। बाय बाय डॉगीज, बाय बाय। तो गाइस अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमने पूरा किला घूम लिया, कोडीगल फोर्ट थोड़ा ऐसे पहाड़ का लेवल। फ्रेश वाटर से हाथ मुंह धोता हुआ लो गाइस। ओ this water is really very tasty and it's chilled, like bisleri se bhi acha pani yahan ka hai, straight from the mountains of Kodigarh. बस बस शांत शांत हम आ गए।